परम सत्य की खोज मानव जीवन का लक्ष्य है। हम आपको इस योगी कथामृत से बता रहे हैं, लिखा गया परमहंस योगानंद के द्वारा, जिन्होंने दिखा दिए शरीर छोड़ के जा रहे हैं, शरीर पावन पवित्र है। तो परम सत्य की खोज, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, परम सत्य की खोज। सत्य क्या है जो हम आपको देखते हैं? तो परम सत्य की खोज में जब हम आते हैं, ताप में से प्रत्येक व्यक्ति पावन और पवित्र अस्तित्व के रूप में है, और आप सर्वव्यापी हैं, आप हर जगह हैं, ये सब प्रकट होता है। तो परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति कहते हैं ज्ञान की संस्कृति, ईश्वर में सच्ची भक्ति की संस्कृति। ज्ञान ही है इस रूप में सिर से पैर की उंगली तक प्रकट हो रहा है। शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमरता इस रूप में प्रकट हो रहा है। इसकी संस्कृति, इसमें गुरु शिष्य का संबंध अनिवार्य होता है। सब लोग बैठिए तो सुनना सीखिए। जब सुनिए तो उसको याद न करिए, जब हम सुने तो उसको याद न करिए। अगर आप चाहते हो ठीक ठीक से सुन सकिए तो सुन करके याद न करिए, और ऐसा उसका अर्थ भी न लगाइए। हमने सुना तो इसका अर्थ क्या है। अगर आप उसका अर्थ लगाएंगे और उसको सुनेंगे, याद करेंगे, तो जिंदगी बीत जाएगी। किसी भी शब्द के, किसी भी वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा। छोटे बच्चे जब सुनते हैं, सुनने के साथ साथ एक्शन देखते हैं। जैसे कह दीजिए कि आइए, ठीक है, आइए सुन करके कैसे समझेंगे? क्योंकि आपने आइए का एक्शन देखा है। आप बुलाते हैं आइए तो हम आ रहे हैं, फिर कहते हैं जाइए तो हम जा रहे हैं। क्योंकि आने जाने का एक जो विजुअल एक्शन है ये पता है, इसलिए आइए और जाइए समझ में आता है। जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल चीज़ को कहते हैं स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब पूरा कॉस्मास की स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहते हैं कास्मास कैसे बने, इसका आकार प्रकार क्या हो, कैसे यहाँ पे क्रियाएं हो, आसमान की प्रत्येक रचना किस प्रकार व्यवहार करे, ये सब स्क्रिप्ट में आता है। तो जो स्क्रिप्ट है इसी से स्क्रिप्चर बना है। जैसे कल्ट से कल्चर, कल्ट कहते हैं एक प्रकार का विचार, एक प्रकार का रीति रिवाज। जब अस्थाई हो जाए तो उसको कल्चर कहते हैं। स्क्रिप्ट है पूरा ब्रह्मांड की रचना कैसी हो, ब्रह्मांड किस तरह से हो, इसकी बनावट, ये कैसे काम करे। जब अस्थाई हो जाता है तो उसको स्क्रिप्चर कहते हैं। और कल्ट में एक विचार है, एक भावना है, एक धारणा है, ठीक है, कल्ट है। जब वो विचार, भावना, धारणा एक अस्थायी रूप ले लेता है तो उसको कल्चर कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखिए, जितने प्रॉफिट हुए, अवतार हुए, उस समय जो भाषा थी उसी भाषा में जो कुछ रीति रिवाज था अपने विचार को, भावना को व्यक्त करने का, उसी रीति रिवाज के साथ उन्होंने जीवन कैसे जिए एक कला सिखाई। और वो जीवन कैसे जिए, वो सारी कला जो प्रस्तुत की गई, चाहे लिख करके या चित्र के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, इशारा से, तो उसको स्क्रिप्चर कहते हैं। तो जो हमें स्पष्ट समझ में आता है और 100% सही है, इसको कोई भी गलत नहीं काट सकता है, कोई भी, किसी विश्वविद्यालय का हो, कोई भी सो कॉल प्रीचर हो, कथावाचक हो, कितने प्रकार के फिलासफर और दार्शनिक हो, इस बात को काट नहीं पाएंगे। जो हम कहते हैं कि जो होली साइंस है ये, इसमें जितने वैदिक ज्ञान था अतीत में या जो वर्तमान में है किसी भी रूप में या जो भविष्य में आएगा, इसमें मिलेगा। जितने अवतार हुए हैं सबकी शिक्षा इसमें मिलेगी। ये दुनिया कैसे प्रकट हुई, जेनेसिस, उसका सबसे बड़ा ज्ञान इसमें मिलेगा। जितने इसमें सदग्रंथ कहे जाते हैं, जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है, श्रीमद् भगवद गीता है, कबीर साहब की शिक्षा, गुरु नानक देव जी की शिक्षा और महावीर स्वामी की शिक्षा, लॉर्ड बुद्ध की शिक्षा, इस तरह से जितनी प्रकार की शिक्षाएं हैं ये सब इसमें है। यही नहीं, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग का संशोधित रूप, जो इंजीनियरिंग कभी प्रकट होगी भविष्य में, वो इसमें मिलेगा। प्रारंभिक इंजीनियरिंग भी है, बेसिक पॉइंट, और टॉप की भी है। ऐसे मेडिकल साइंस का प्रारंभिक रूप और बहुत एडवांस रूप इसमें मिलेगा। सब तो इसमें है। हाँ, इसमें लेकिन खोजने पर मिलता क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण है। कारण हम आपको बताते हैं। अगर संयोग से कोई ऐसा मिला जिसको सच्चा गुरु कहते हैं, लाहिड़ी महाशय थे, उनको सब लोग सच्चा गुरु थोड़ी कहते थे, लिमिटेड लोग थे। श्रीयुक्तेश्वर गिरी को सभी लोग सच्चा गुरु नहीं कहते थे, सीमित लोग थे। परमहंस योगानंद को भी सब लोग नहीं कहते थे, सीमित थे। तो ऐसे अगर आपका संपर्क सच्चे गुरु से है या भविष्य में होगा, तो इस बात को याद रखिएगा। परम सत्य की खोज मानव जीवन का लक्ष्य है। हम आपको इस योगी कथामृत से बता रहे हैं। लिखा गया परमहंस योगानंद के द्वारा, जिन्होंने दिखा दिए शरीर छोड़ के जा रहे हैं। शरीर पावन पवित्र है, उसे पूरा अहिंसा की शक्ति विद्यमान है, इसलिए वायरस बैक्टीरिया अटैक नहीं किए, शरीर में कोई दुर्गंध नहीं आई, शरीर में सड़न नहीं आई, हफ्तों पड़ी रही, बर्फ पर नहीं रखी गई थी, किसी प्रकार का कोई मेडिकेटेड क्रीम नहीं लगाया गया था। तो परमहंस योगानंद तो दिखा गए ना कि सत्य हिंसा क्या होता है। शरीर निर्विकार रूप में बनी रही, उनके द्वारा लिखी हुई है। तो परम सत्य की खोज, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, परम सत्य की खोज। सत्य क्या है जो हम आपको देखते हैं? क्या आप यही हैं? नहीं, आप और हैं। ठीक है, 1 साल के बाद पता चला कि आप ये हैं, तो क्या आप यही हैं? नहीं, और हैं। तो परम सत्य की खोज में जब हम आते हैं, ताप में से प्रत्येक व्यक्ति पावन और पवित्र अस्तित्व के रूप में है, और आप सर्वव्यापी हैं, आप हर जगह हैं। ये सब प्रकट होता है। इस परम सत्य की खोज जो हम कह रहे हैं, आप ही नहीं, किसी पेड़ पौधे को लीजिए, किसी एक जानवर को लीजिए, किसी कीड़े और मकोड़े को लीजिए, एक कोई धूल के कण को लीजिए, ये चीज उसके लिए भी सही है, वो भी सर्वव्यापी है। तो परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति कहते हैं ज्ञान की संस्कृति, ईश्वर में सच्ची भक्ति की संस्कृति। ज्ञान ही है इस रूप में सिर से पैर की उंगली तक प्रकट हो रहा है। शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमरता इस रूप में प्रकट हो रहा है, इसकी संस्कृति। इसमें गुरु शिष्य का संबंध अनिवार्य होता है। परमहंस योगानंद अवतार थे, तब भी श्रीयुक्तेश्वर गिरी के अंडर में रहना पड़ा। श्रीयुक्तेश्वर गिरी जो इतने बड़े अवतार थे कि महावतार बाबा ने उनको चुना सबसे श्रेष्ठतम सदग्रंथ लिखने के लिए, होली साइंस, वो भी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। लाहिड़ी महाशय भी महावतार बाबा ने खुद कहा, तुम अनेक जन्मों तक हमारे साथ रहे हो, तुम ज्ञान की उच्चतम अवस्था में थे, तुम्हें विश्व को शिक्षा देने के लिए कुछ कार्य कारण के बंधन में उलझ करके जन्म लेना पड़ा। और लाहिड़ी महाशय जन्म से ही परम ज्ञानी थे, तब भी महावतार बाबा गुरु के रूप में थे। तो गुरु शिष्य का संबंध ये अनिवार्य होता है, और किसको कौन सा गुरु मिलता है ये प्रकट होता है। इसी लिखा हुआ है होली साइंस में कि गुरु कितने तरीके के होते हैं। आप सोचते हैं कि इसको हम रोज पढ़ते हैं ना, इसको हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। एक लाइन पढ़ते हैं तो उसी में पता चलता अनंत है, उसी में घूमते रहते हैं, उससे आगे जा ही नहीं पाते हैं। इसका एक शब्द जब हम पकड़ते हैं उसमें इतनी गहराई है कि उससे हम अलग हो ही नहीं पाते हैं, उसी में पूरा होली साइंस दिखाई पड़ता है। देखिए प्रोसीजर के सूत्र नंबर 7 और 8 के बाद क्या लिखा है, अपस्व देवो मनुष्याणाम दिव्य देवो मनीषिणाम काश लोष्टेश मूर्खाणाम युक्त स्यात्मन देवता। देखिए कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि जो भगवान हैं वो डाइटीज में हैं, जैसे हम लोग पूजा करते हैं कि हनुमान जी हैं, गणेश हैं, काली हैं, दुर्गा है, इस तरीके से जब ऐसे बना करके देवी देवता की कल्पना करके हम जो उसमें ढूंढते हैं, ये कुछ लोग ढूंढते हैं, ये सब उनके गुरु हो गए। जिस गणेश की पूजा करते वही हमारे गुरु हैं, हनुमान जी की पूजा करते वही हमारे गुरु हैं, किसी की पूजा करते हो सम्मान करते तो हमारे गुरु तो वही हुए। और देखिए तो कुछ लोग समझते हैं कि ये जो पानी है ये सभी कष्टों को दूर करता है, तो पवित्रम 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 पानी ले बैप्टाइज किए, तो पानी को ही मान लिए सब कुछ, तो उनका पानी ही गुरु हो गया। कोई देवी देवता के मान लिए, उनको ही गुरु हो गया। कृष्ण भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन, जो परंपरागत से देवी देवता की पूजा करता है वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो हमारी पूजा करता है अर्जुन वो हमें प्राप्त होता है। तो हमें नहीं कहते कि कोई देवी देवता की पूजा ना करे, बिल्कुल करिए, वही आपके गुरु हुए। कोई सोता पवित्रम पवित्रम संगम में डुबकी लगाए, पवित्रम पवित्रम हमारा पाप धुल गया और आपके ऊपर हमने पानी डाला, बैप्टाइज किया, ठीक है हमारे गुरु, माँ गंगा जल, इस तरह से गुरु बना लिया। ऐसे ही और कुछ लोग, कोई अंगूठी है ये हमारी रक्षा करेगा, या एक तो लकड़ी है, अरे बड़ी पवित्र लकड़ी जेब में रख के चलते हैं, हमारी रक्षा करेगा। ये जो लोग करते हैं ये कौन है, मूर्ख है। मूर्ख किसको कहते हैं, माँ पर ऊ की मात्रा है, औखा है, आधारा है। जो जीवन के अपने लक्ष्य को इस तरफ बढ़ाना चाहता हो जो भी है नहीं। मूर्ख का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता, याद रखिए। जो लकड़ी को, अंगूठी को, पत्थर को मान लिया कि हमारे गुरु हैं, ठीक है वो मूर्ख हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो उसी पत्थर में भगवान देखना चाह रहे हैं। तो माँ है, माँ का मतलब क्या होता है, कोई छोटी सी छोटी चीज़ हो और कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो, दोनों को हम एक साथ लेकर के चलें, किसी को छोड़े ना, तो माँ हुआ। ये कैसे ऐसे संभव है, ऐसे संभव है इस तरीके से। ये जो मेडुला है, जो शक्ति नीचे उतरती है दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम में जाती है, इस शक्ति को पूरब में लाइए, फिर दक्षिण से उत्तर में ले जाइए। जब ये करते हैं तो इसको ऊ कहते हैं। इसमें ऊ और धन ऊ है, इसका मतलब बड़ा ऊ है। मतलब ऊपर चलते ही रहिए, रुकिए मत। कब तक चलते रहिए? जब तक खा न पता चले और आधा न पता चले। खा कहते हैं असीमता, आसमान की तरह। जब तक असीमता का दर्शन ना हो, असीमता जब दिखाई पड़े तो सूक्ष्म रूप में भी हो और आप भी असीम दिखाई पड़े। इस चीज की जो खोज करते हैं उसको मूर्ख कहते हैं। जो काठ में सोचता है कि हमको भगवान मिल जाए, तो काठ में, लकड़ी में, अंगूठी में कैसे मिलेंगे? उसको मिलने का तरीका उसको समझ में आता है कि यही है और कोई नहीं है, लेकिन अभी काठ में ही पड़ा हुआ है, अभी अंगूठी में ही पड़ा है, अभी यही सब कर रहा है। धीरे धीरे जब उस तरफ आगे बढ़ेगा तब मूर्ख का वास्तविक रूप प्रकट होगा कि प्रॉफिट होगा ये। और फिर देखिए अगला, जो अपने में खोजता है। सभी लोग जो हमारे के अंदर है और कहीं नहीं है, उनको हर चीज़ बहुत जल्दी मिलती है। हमको गणेश को खोजना, अपने अंदर खोजिए। हनुमान जी को अपने अंदर, महावतार बाबा को हिमालय में खोजने जाएंगे, मिलेंगे नहीं। कई लोग कहते हैं कि हिमालय मिले हैं, जो कहते हैं सही नहीं कहते हैं। उनको मिले होते तो कहते नहीं, तो लाहिड़ी महाशय की तरह दिखाते। जैसे लाहिड़ी महाशय ने मरे को जिंदा किया, अनेक प्रकार के कर्म किए। श्रीयुक्तेश्वर गिरी को मिले थे लेकिन किसी से बताए नहीं। परमहंस योगानंद को मिले थे, किसी से बताए नहीं। और जब महासमाधि में प्रवेश करना हुआ तो उसके पहले ये योगी कथामृत कंप्लीट करना था, तो उसमें पहली बार योगी कथामृत में जिक्र किया कि महावतार बाबा है, उसके पहले नहीं। यहाँ जो जाता हिमालय उसी को मिल गई। हम किसी देश का राष्ट्रपति हैं, हम जो चाहते होता है। मान लीजिए हम हिटलर हैं, हम जो चाहते होता है, ऐसे थोड़ी होता है। महावतार बाबा मिले थे हमें, और जब सुसाइड कर लिए पता चल गया कि हिटलर गड़बड़ थे। ऐसे में हिमालय के साधु हैं, क्योंकि सभी साधुओं को बाबा जी कहा जाता है। विदेश से कोई आया, महावतार बाबा को ढूंढने निकल गया हिमालय। लोगों से पूछा कि बाबा जी हैं? लोगों कहा हाँ हाँ बाबा जी हैं। तो गया वहाँ पर, खूब जम करके, खूब गांजा पिया, खूब खाना खाया और खूब मस्ती में रहा, भांग भी खाया। उसके बाद लौट करके गया अमेरिका, कहता बाबा जी से मिले हैं, मैंने खूब चाय पिया उनके साथ और गांजा भी पिया था मैं। उनका नाम नहीं बताएंगे, वो क्रियायोग सिखाते हैं, टोटल गलत। इस तरीके से भी लोग बाबा जी से मिल करके कहते हैं हम बाबा जी से मिले हैं। याद रखिए, बाबा जी से जो भी मिला होगा बताएगा नहीं वो, और बताने के पहले ऐसी आध्यात्मिक सेवा कर रहा होगा जो विलक्षण होगा। ऐसी आध्यात्मिक सेवा नहीं कर रहा है जो विलक्षण है, अपने महिमा का ही वर्णन कर रहा है। हमसे बाबा जी मिले, हमसे ये मिले, हमसे वो मिले, हमसे वो मिले। इसका अर्थ है कुछ घपला है। इसे जिसको पाना है अपने अंदर खोजिए। बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, परमहंस योगानंद, कोई भी, श्रीयुक्तेश्वर गिरी, लॉर्ड कृष्णा, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, महावीर स्वामी, जिसको खोजना है। हमारे परिवार के लोग चले गए, कहाँ गए, बस अपने अंदर मिलेंगे सब। जो अपने में एकाग्र होकर के पूरी भक्ति के साथ सब कुछ अपने में खोजता है, वही परम ज्ञान के उस मार्ग पर है। एक ही जन्म में उस स्थिति में पहुंच जाएगा जिसको परम सत्य कहते हैं। इस तरीके से आइए हम कुछ मिनट अभ्यास कर लें कि जो कुछ आप सुने एब्जॉर्ब हो जाए, असिमिलेट हो जाए। नहीं तो वैसे होगा कि खाना खाइए अब खाना न पचे फिर खाइए तो उल्टी होगी। आप जो सुने हैं हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगे तो ये जो सुने ये बाहर निकल जाएगा। ज्ञान कैसे निकलता है? अदृश्य किरणों के द्वारा। इसे 5 मिनट का अभ्यास बहुत आवश्यक है।